इस वक्त इस्तांबुल पहुंच चुके हैं और हम लोगों का तकरीबन 10 दिन का ये टूर है और सिर्फ हमाद और मैं यहाँ पर आए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे खाली हम दो क्यों आए हैं, कशान किधर है? तो भाई कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से हमने कशान को कटा दिया है। कशान की हरकतें कुछ ऐसी थी, लेकिन हम दोनों व्लॉग बनाएंगे और आप लोग देखिएगा कितना ज़बरदस्त व्लॉग बनेगा। चलें भाई। फैसल और अहमद मुझे कटा के टर्की चले गए। अब जाहिर सी बात है गए हैं तो व्लॉग भी बनाएंगे, क्या करें। आपका भाई यही है? यही मतलब आपका भाई भी टर्की में, भाई इस्तकलाल स्ट्रीट पर घूम रहा हूँ और उनसे अच्छा व्लॉग बनाऊँगा। वो क्या व्लॉग बनाएंगे? उनसे अच्छा व्लॉग बनाएगा आपका भाई, देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे इज़ डे वन। हमारा टूर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। हम लोग इस्तांबुल में मौजूद हैं और इस टूर के जो हमारे ट्रैवल पार्टनर हैं वो इजी लिंक ट्रैवल एंड टूर वाले हैं। और मेरे पीछे आप जो मज़ार देख रहे हैं, हज़रत अय्यूब अंसारी का मज़ार है जो सहाबी रसूल थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत किया तो काफ़ी सहाबी ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमारे घर ठहरें, तो हुजूर ने अपनी ऊँटनी छोड़ दी जो कि हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में जाके बैठ गई। तो हुजूर ने डिसाइड किया कि 6 महीने मैं यहाँ स्टे करूँगा। बहुत अच्छे मेज़बान रहे, काफ़ी गज़बों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हाँ भाई, तो मैं पहुंच गया हूँ बॉस्फोरस के पास और अभी बॉस्फोरस क्रूज़ के अंदर हम फुल घूमते घुमाते इस्तांबुल को एक्सप्लोर करेंगे। एशिया साइड भी दिखेगी हमें और यूरोप साइड भी दिखेगी, तो लेट्स गो। तो भाई मैं क्रूज़ में पहुंच गया हूं और लास्ट टाइम जो है वो दो कमीने थे मेरे साथ, उनके साथ थाईलैंड टूर किया था, लेकिन आई एम श्योर कि ये वाला जो है ना वर्थ इट होगा। अकेले कर रहा है आपका भाई, मज़ा आ रहा है, फुल मस्त है आपका। गाइस अभी हम लोग क्रूज़ पे मौजूद हैं और बॉस्फोरस पे हम लोग अभी क्रूज़ की सेलिंग कर रहे हैं। बॉस्फोरस एक स्ट्रेट है जो दो समंदरों को आपस में कनेक्ट करता है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके एक तरफ इस्तांबुल में एशिया की साइड है और एक तरफ यूरोप की साइड है। दोनों साइडों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यूरोप की साइड थोड़ी महंगी है और एशिया की साइड थोड़ी सस्ती है, लेकिन यूरोप की साइड का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा मिडिवल टाइप का यूरोपियन टच है वहाँ पर। तो भाई ये व्लॉग में ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है, सिर्फ ये सिनेमेटिक शॉट्स और स्लोमो बना लिया ये नहीं चलता। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चेक किया अपने भाई के शॉट्स? अरे भाई आपका भाई ना सिनेमेटिक का जीता है जीता। खैर जितना मज़ा मुझे यहाँ आ रहा है, आई होप कि आप लोगों को भी व्लॉग देखने में उतना ही मज़ा आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, चलो मेरे साथ। अभी तो मैं पहुंच गया हूं आया सोफिया पर। ये पीछे मस्जिद है, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस पर हमला किया था और उसको फतह किया था। ये पहले चर्च था, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, और उसको फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर अतातुर्क के ज़माने में इसको म्यूज़ियम बना दिया गया और फिर लास्ट ईयर तैयब अर्दोगान ने इसकी आइडेंटिटी वापस चेंज कर दी और इसको वापस से मस्जिद बना दिया गया। अभी जुम्मा होने वाला है, मैं जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, साथ रहिए। कैमरा तो ले जाऊँ। हाँ भाई, अभी अभी जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हुई है, बाहर हुई है आज नमाज़, शायद कोविड की वजह से। बट इट फील्स सो गुड के अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन एक इस्लाम है, एक अल्लाह, एक क़िबला है। भाई ये जो आप दो पर्दे देख रहे हैं पीछे, ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये पहले चर्च था, अभी यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की तस्वीरें वगैरह हैं, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि नमाज में खलल ना हो। तो ये भी जो जामिया आया सोफिया है, इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है, 1500 साल पुरानी इमारत। किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह की मजबूती है कि ये अभी तक वैसे ही है। हाँ जी, तो हम लोग क्रूज़ के बाद सुल्तान अहमद जामिया आ गए, जिसको दुनिया में ब्लू मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लू मॉस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर नीले कलर की बहुत ज़्यादा टाइल्स लगी हुई हैं, तकरीबन 20,000 के करीब। और ये टर्की की पहली मस्जिद थी जिसके 6 मीनार थे। 16वीं सदी में इसकी तामीर हुई थी और 7 साल में इसका काम मुकम्मल हो गया था। अब यार तकरीबन 9 बजे हम लोगों ने नाश्ता किया था और अभी 3:30 बज रहे हैं, लंच की अशद ज़रूरत है। चलें भाई। अशद भाई उठा नहीं जा रहा, उठ जाओ भाई, चलो कबाब खाएँगे टर्की के। हाँ भाई, तो आज ये दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं बुर्सा। और बुर्सा इस्तांबुल से इतना दूर है जितना हैदराबाद कराची से दूर है, कोई 160 किलोमीटर है। और वहाँ पे क्या है ये अभी हमें नहीं पता, ये जाके पता चलेगा, वो आपको दिखाएंगे हम लोग।
और एक और चीज़ भाई ये आई है कि कशान साहब जिनको हम पीछे छोड़ के आ गए थे पाकिस्तान में, सुनने में आया वो टर्की हमारे पीछे पीछे आ गए और अपना एक अलग ब्लॉग बना रहे हैं। तो ये आप लोग बताइएगा भाई कि उसका ब्लॉग ज़्यादा अच्छा है या हम दोनों का? यार ऑब्वियस है हमारा ही अच्छा होगा। बुरसा चलते हैं। हाँ भाई वेलकम बैक टू डे टू। सुना है फैसल और हमाद जो है आज बुरसा जा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? हम भी जाएंगे और ऐसा व्लॉग बनाएंगे पब्लिक खुद बोलेगी कि क्या व्लॉग है। तो गाइस लेट्स गो इन द बस। काशान साहब मुझे पता है कि बस में धक्के खाते हुए आ रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे चिल मारते हुए जा रहे हैं। अभी हमारा ग्रुप टूर रुका है इस दरख्त के आगे। ये 611 साल पुराना दरख्त है वेस्टर्न साइड पे। इतना पुराना दरख्त देखने हम लोग रुके हैं और अभी आपको अपने ग्रुप के बंदों से ही मिलवाते हैं। तो भाई ये हमारा ग्रुप टूर है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखो ये होती है एंजॉयमेंट जो आप ये होती है एंजॉयमेंट जो आपको दूसरे व्लॉग में नहीं मिलती भाई। कंपनी का नाम इजी लिंक। जी हाँ एक मसला है यार जिंदगी में, आपके भाई ने आज तक स्नोफॉल देखी नहीं है। पता नहीं क्यों यार, मतलब जब भी स्नोफॉल कहीं एक्सपेक्टेड होती है मैं पहुंच जाता हूँ, वहां पे स्नोफॉल नहीं होती। आज भी एक्सपेक्टेड थी, मैं पहुंचा और नहीं हो रही, लेकिन जमीन पर क्या है, बर्फ ही बर्फ। ये बातें तो थी होनी ही कभी, क्यों दिखता तू हैरान है। आप लोग ये गर्मी में देखेंगे व्लॉग तो आप ठंडे हो ना हो आपकी आंखें जरूर ठंडी हो जाएंगी। और यहाँ पे भाई जेब से मैं हाथ नहीं निकाल पा रहा हूँ, कसम से उंगलियाँ ऐसा लग रहा है टूट जाएंगी और बिखर जाएंगी। भाई मैं गलत था, मैं पनौती नहीं हूँ। देख रहे हैं आप स्नोफॉल हो चुकी है, मेरी जिंदगी की पहली स्नोफॉल मैं देख रहा हूँ, बहुत मजा। तुम लोग इस होटल में तो क्या खाली तुम रुक सकते हो यहाँ पे? और ब्लॉग कैसे जा रहा है तुम्हारा? आएगा तो देख लेना यार। वो तुम्हारे पास वन प्लस का चार्जर है? तुम्हारा किधर गया? वो मेरा खो गया बुरसा में, अगर है तो बता दो। आओ अंदर कर लो चार्ज। और कैसा जा रहा तुम लोगों का ब्लॉग? जब आएगा देख लेना। अबे क्या कर रहे हैं यार हम लोग, एक ही होटल में होते हुए अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। हाँ तो तुम लोग मुझे कटा के गए थे, मैं कोई अपनी खुशी से नहीं आया हूँ। और उससे पहले कौन किसको कटा के गया था ये सबको पता है। यार बच्चों वाली बातें नहीं किया करो तुम। भाईजान छोड़ो ना यार किसने किसको कटाया, भाई दी इडियट्स हैं यार हम लोग। 11 साल से वीडियोस बना रहे हैं और भाई कितने लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे हम लोग, बच्चे भी देखते हैं हमें। और यार हम्माद सच बताऊं काशान के बगैर ना व्लॉग में मजा भी नहीं आ रहा था मुझे। हाँ तो हमें मजा नहीं आ रहा ना, लेकिन इसको तो अकेले व्लॉग बना के मजा आ रहा है। भाई किसने कह दिया मुझे मजा आ रहा था, मजबूरी में बना रहा था, अब जो होना था हो गया यार। अब बताओ करना क्या है आगे? करना क्या है यार, साथ करते हैं व्लॉग। हाँ साथ करते हैं, और जो मैंने शॉर्ट्स लिए और तुम लोग जो शॉर्ट्स ले रहे हो वो डिलीट कर दें, क्या करें उसका? डिलीट क्यों कर दूं? एडिटर आप हो भाई, अपने शॉर्ट्स उठाओ हमारे शॉर्ट्स उठाओ, सबको कंबाइन करो और एक मेगा बाप व्लॉग बनाएंगे। बाकी स्टोरी टाइमिंग तो ये बच्चों का खेल है हमारे लिए। मतलब कल फिर कैपाडोकिया से साथ? कैपाडोकिया से साथ, कैपाडोकिया से साथ। सो गाइस वी आर इन कैपाडोकिया। हमने कहा था कि हम कैपाडोकिया में साथ होंगे और आज हम साथ खड़े हुए हैं। और ये पीछे हमारा होटल है, हम यहाँ ठहरे हुए हैं। आज मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया इसलिए हॉट एयर बलून नहीं कर सके, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला हम करेंगे तो उसके शशके भी आपको दिखाएंगे। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कैपाडोकिया के सिटी टूर पे, तो फिर आइए चलिए साथ रहिए। Oh.
भाई कैपेडोकिया की जो मोटी मोटी हिस्ट्री है वो मुझे ये पता है कि भाई कोई हज़ारों साल पहले कोई वॉल्केनो इवॉल्व हुआ था जिसके नतीजे में ये केव्स बन गए थे और फिर यहाँ पर लोग रहने लगे। और अभी फ़िलहाल जो कैपेडोकिया जो उसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो उसकी वैलीज़ हैं और एक है द अमेजिंग मैजिकल हॉट एयर बलून राइड। ये जो मेरे पीछे दरख्त देख रहे हैं आप, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लगाई हुई है, मैं क्लोज दिखाता हूँ आपको, इसको कहते हैं ये लोग इविल आई। और यहाँ बांधने से ये लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि भाई हमारी विशेस पूरी होंगी। अच्छा जी, कापाडोकिया जैसे इस्तांबुल जितना बिजी है ना, कापाडोकिया उतना सुकून वाली जगह है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैलीज़ हैं, यहाँ पे जितने ज़्यादातर जो पहाड़ हैं वो केव्स की सूरत में, वहाँ पे लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं, होटल्स भी बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट भी बनाए हुए हैं। लोग कैपेडोकिया में एक गांव में रुके हैं, ये कोई हज़ारों साल पुराना गांव लग रहा है जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, पूरे केव्स वगैरह सारे मौजूद हैं। ये इतना कोई डेवलप नहीं है लेकिन फिर भी बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ पर लोग छोटे छोटे मोनूमेंट, छोटी छोटी चीज़ें बना के बेचते हैं, इससे अपना कारोबार करते हैं। ये थोड़ी ऊँची जगह थी तो काशान और मैं तो चढ़ गए, लेकिन फैसल का आपको पता है तो वो अब फोन करके हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा नीचे से कि ऐसे शॉट ले लेना, ऐसे शॉट ले लेना, ऐसे ब्लॉग बना लेना। लेकिन ना वो नीचे खड़े हैं भाई साहब। यार मैं नमाज पढ़ने गया, पीछे से लोग ऊपर चले गए और टोपी करवा रहे हैं कि फैसल से चढ़ा नहीं जाता। Later that same evening. भाई इस वक्त हम लोग कैपेडोकिया के अंदर क्वाड बाइक्स का एक्सपीरियंस करने आए, जिसको एटीवी राइड भी कहा जाता है। और ये दो टाइम पे होती है, सनराइज पे होती है, सनसेट पे होती है, और आपको डिफरेंट वैलीज के अंदर से घुमाते हैं। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो फैसल भाई आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये भाई तो कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। लेकिन यार आप लोगों के साथ नहीं कह रहा दादा, आप लोगों के साथ इंजॉय अलग ही है। यार क्या कह रही है, पप्पी ले लो। नहीं 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 नहीं, तो फाइनली हम लोग लोकेशन पर पहुंचे और बड़े खुश थे कि जो ना अभी हम बलून में बैठेंगे और हॉट एयर बलून राइड लेंगे। लेकिन भाई दिस इज कॉल्ड प्योर बैड लक, वेदर कंडीशन सही नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँच कर भी जो है बलून राइड नहीं कर पाए। क्या कहेंगे, मतलब हमारे सामने स्टार्ट हो रहे थे भाई, हवा उनमें भरी जा रही थी बलून्स में, और उसके बाद फिर एकदम से आवाज़ आई भाई कैंसिल कैंसिल। यार सिर्फ पौने दो घंटे हम लोग रात में सोए थे और सुबह 4:30 बजे इस चीज़ के लिए उठे थे। तो खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। यार क्या करें, अभी हमारे हाथ में नहीं है ना चीज़, ये तो अल्लाह के हाथ में। भाई कैपेडोकिया से हम लोग अंतालिया की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक स्टॉप आया जिसका एक बल्कि एक शहर है जिसका नाम कोनिया है। और कोनिया में अगर आप आए हैं और जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर और उनके म्यूज़ियम पर नहीं आए तो फिर क्यों आए। अब कल हम जा रहे हैं अंतालिया जा रहे हैं और वहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे वाटरफॉल और काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे। गाइस अभी हम लोग जो है अंतालिया पहुँच चुके हैं और होटल हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिला है और अभी खाना फोड़ने जा रहे हैं। यार हम लोग अपने होटल में आ गए हैं, क्लब फैल्कन इसका नाम है, आप रूम चेक कर सकते हैं। और ये रहे मेरे बाकी दो दोस्त। भाई अभी तक का सबसे बेहतरीन होटल है ये, और ये जो आप देख सकते हैं ना ये जगह, इसका व्यू आपको सुबह देखने को मिलेगा। अभी हम बहुत थक गए हैं, सुबह आपसे मिलते हैं अंतालिया टूर पर। Thank you.
क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है। लास्ट टाइम अंताली आया था गर्मी थी शदीद, अभी होटल भी अच्छा है और पीछे आप ये चेक करें व्यू। ओए होए होए सर, व्यू के ही पैसे हैं सारे। भाई अंतालिया के अंदर तकरीबन कोई 8 वाटरफॉल्स हैं, लेकिन जो सबसे बिगेस्ट वन है वो हम अभी विजिट कर रहे हैं, उसका नाम है ड्यूरन वाटरफॉल। और क्या ज़बरदस्त ट्रैक है यार, थोड़ी थोड़ी इस्लामाबाद वाली फीलिंग आ रही है। भाई अभी हम वाटरफॉल का व्यू करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ता ऐसा है केव से होते हुए जाना है, आप नीचे देख रहे हैं। सर छोटे लोगों का ना ये फ़ायदा होता है, उनको झुकना नहीं पड़ता, ये जो पीछे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना ये झुकते रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान। इस वक्त हम लोग अंताली की गलियों में घूम रहे हैं, जिसको अनातोलिया भी कहा जाता है, और यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। और क्या गलियाँ हैं यार मोहम्मद भाई, गलियों के नज़ारे हैं। अभी हम आपको डिफरेंट सिनेमैटिक शॉट्स में भाई अभी तीनों के अंदर मुकाबला लग गया है कि जोर का मुक्का कौन मारेगा और किस में ज़्यादा जान है, तो रिजल्ट अभी आपको दिखाते हैं। गलत हो गया यार, मिस हो गया। वेट वेट, भूल गया टोपी, नहीं मिस हो गया। ओ, 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 2 3 6 5 6 असल साहब का ही। नहीं नहीं वेट वेट, 2 3 6 9 2 3 6 9 yes 2 3 cross oh! यार अब हमारी बारी भी तो आएगी ना यार, रेडी है। हो गया भाई, हो गया भाई। और ये कशान भाई जीत गए हैं। दादा को ट्राई करूंगा मैं। नहीं भाई ट्राई अगेन नहीं होता यार। 20 लीरा नो 14 लीरा 6 लीरा वापिस। हेलो, दिस इज नुमान फ्रॉम इजी लिंक ट्रेवल्स एंड टूर्स। हम 7 दिन के लिए टर्की का ग्रुप लेकर आए थे, जो कि हमारा कल एंड हो रहा है, और उसमें हमारे साथ दी इडियट्स की टीम भी थी, जो कि अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे। हाय गाइस, तो टर्की का टूर आपने लोगों ने पूरा एंजॉय कर लिया, हमारा व्लॉग है। 7 दिन का टूर था और हम लोगों ने 5 सिटीज़ को कवर किया है, तो 7 दिन के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। इसमें इस्तांबुल था, कपाडोकिया था, कोनिया था, बुर्सा था और अंतालिया, जहाँ पर हम लोग अभी हम बैठे हुए हैं, हमारा लास्ट डे है भाई। टूर बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, हर चीज़ वेल मैनेज थी, तीनों वक्त का खाना था सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चीज़ है ना, ये जो है ना बहुत कम जगह प्रोवाइड की जाती है, तीनों वक्त का खाना था। और सबसे ज़बरदस्त जो मौसम मिला ना हमें यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर, कपाडोकिया के अंदर, बुर्सा में हमें स्नोफॉल मिली भाई, ज़बरदस्त। मतलब सारी चीज़ें जो है ना हमारे ज़बरदस्त हो गई हैं और वेल मैनेज थी, जैसे कि हमाद ने कहा। और मुझे जो पर्सनली पसंद आया भाई, अंतालिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे जो वाटरफॉल्स हैं और जो चीज़ें हमें देखने को मिली, और हमारा जो ये होटल है ये फैल्कन होटल है, क्लब फैल्कन, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त था। और बाकी सारे होटल्स भी अच्छे हैं, ग्रुप बहुत अच्छा है, एक फैमिली ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग जो है ना साथ साथ एक ट्रैवल भी कर रहे हैं, एक दूसरे से तफरी कर रहे हैं, मजाक। आपने व्लॉग में सारा देख ही लिया है तो... और जितना भी हमारा प्रोसेस था इजी लिंक ट्रैवल एंड टूर्स ने, मतलब वीज़ा से लेकर टिकटिंग से लेकर, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें हर चीज़ हमारे मिल गई थी। और हमें ये पता था भाई अब इधर जाना, अब इधर जाना है, आइटिनरी जो है पूरी प्रॉपर वेल मैनेज्ड बनी हुई थी। मतलब टोटल हमने सिर्फ एंजॉय करना था, कोई किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। इन शॉर्ट बात इतनी है कि दी इडियट्स इजी लिंक ट्रेवल्स एंड टूर्स को रिकमेंड करता है, बिल्कुल। तो और नेक्स्ट टूर अभी इनका होने जा रहा है, 25 मई को होगा, ईद के बाद है, अभी काफ़ी टाइम है, अगर मौका है बिल्कुल आए। और टर्की इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, डोंट मिस इट, एक्सप्लोर करें यार, निकलें घूमें फिरें भाई। चीज़ देख रहे लड़का बड़ा खुश है भाई, सो मेक योर प्लान विद इजी लिंक। Say